बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड ये टॉपिक बहुत बार डिस्कस हुआ है, लेकिन आज हम जनरल बातें नहीं करेंगे। हम इन दोनों इंडस्ट्री का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि सबको पता है कि टॉलीवुड बॉलीवुड से आगे है, तो हम इस कंपैरिजन में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बॉलीवुड टॉलीवुड से पीछे रह गया। तो कंपैरिजन करते समय हम टॉलीवुड में सिर्फ तेलुगु मूवीज की नहीं बल्कि साउथ इंडियन मूवीज की बात करेंगे, जिसमें कनाडा, तेलुगु, तमिल और भी साउथ मूवीज की बातें होगी। जिसका मतलब साफ है कि आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन मूवीज और नॉर्थ इंडियन मूवीज की। तो गाइज, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड के बारे में। आज हम पता करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री अपने सारे रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज करती है, कि कौन सी इंडस्ट्री अपने काम पे ज्यादा मेहनत करती है। तो पूरी इंडियन सिनेमा की रिस्पेक्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मूवी को बनाने में बहुत सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोगों की मेहनत लगती है, लेकिन पांच ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से हम किसी भी मूवी को रैंक कर सकते हैं। तो हम आज का कंपैरिजन इन्हीं पांच चीजों से करेंगे। नंबर वन, आर्टिस्ट। यहाँ पर आर्टिस्ट का मतलब है कि किस एक्टर या एक्ट्रेस को कौन सा रोल मिलना चाहिए। मतलब बाहुबली में अगर हमने प्रभास को एज अ बाहुबली और राणा दुग्गापति को एज अ बलाल देव नहीं देखा होता तो शायद मूवी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती और बाहुबली ने जो इतिहास रचा है वो शायद नहीं हो पाता। वहीं बॉलीवुड वाले भी इस चीज को सही से करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा था कि शाहिद कपूर एज अ कबीर सिंह पूरी तरह फिट बैठ रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें वरुण धवन की तो बॉलीवुड वहाँ मार खा जाता है। तो भाई सीन ये है कि वरुण धवन भी एक अच्छे एक्टर है, लेकिन उन्हें अच्छे रोल जो कि वो कर सकते हैं वैसे रोल नहीं मिल रहे। मतलब हम सबने देखा है कि वरुण धवन ने कितनी खतरनाक एक्टिंग करी थी बदलापुर में, और भाई अगर वो बंदा ऐसी एक्टिंग कर सकता है तो क्यों उसे कुली नंबर वन जैसी मूवी देना। तो ये प्रॉब्लम है बॉलीवुड के साथ, वो ये नहीं समझ पा रहा कि किसको कैसा रोल देना है और इस चक्कर में एक्टर का नाम और काम दोनों खराब होता है। उसके अलावा मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि पुष्पा मूवी में जैसे अल्लू अर्जुन का एक शोल्डर झुका हुआ है, उस चीज की प्रैक्टिस अल्लू अर्जुन ने 2 साल तक करी थी। मतलब भाई अपने एक रोल के लिए साउथ इंडस्ट्री वाले हॉलीवुड जैसी मेहनत कर रहे हैं। और वहीं मैं बात करूं बॉलीवुड की तो सलमान खान तो अपने हर कैरेक्टर में सलमान खान ही बन रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं दबंग मूवी की, वॉन्टेड की या फिर बिग बॉस की, तो सलमान खान की एक्टिंग में हमें कोई फर्क नहीं दिख रहा। मतलब वो हर कैरेक्टर को एज ए सलमान खान ही प्ले कर रहे हैं। नंबर टू, स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी का मतलब है रीमेक से, और इस चीज में दोनों बराबर तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बॉलीवुड वाले रीमेक करते हैं साउथ इंडियन मूवीज से और साउथ इंडियन मूवीज वाले रीमेक करते हैं कोरियन या फिर और भी बाहर की मूवीज से। लेकिन अब फर्क है क्वांटिटी में। मतलब साउथ इंडियन वाले एक दो मूवीज ही रीमेक करते हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले एक दो मूवी ही ओरिजिनल बनाते हैं, बाकी सब रीमेक है। मतलब अगर हम बात करें सलमान खान के करियर के बारे में तो आपको बहुत सी रीमेक्स मिल जाएंगी। उसके अलावा रोहित शेट्टी सर कहते हैं कि वो कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। वो मार्वल जैसे सीन अपने इंडिया में भी होना चाहिए, लेकिन उस कॉप यूनिवर्स की पहली मूवी सिंगम ही रीमेक है, और यही असली कारण है कि पूरी इंडिया के लोग अब साउथ इंडियन मूवीज को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साउथ इंडस्ट्री वाले ओरिजिनल चीज बनाते हैं। तो बॉलीवुड का काम उस दिन से खराब हुआ जिस दिन से गोल्डमाइन वालों ने साउथ इंडियन मूवीज की हिंदी डबिंग चालू कर दी थी। नंबर थ्री, बजट। अब अगर हम बात कर रहे हैं बजट के बारे में तो सब जानते हैं कि इसमें कौन जीतता है, लेकिन बात सिर्फ पैसे लगाने की नहीं है, पैसे को अच्छे से यूज करने की है। मतलब जैसे बॉलीवुड की टाइगर जिंदा है बनी थी 210 करोड़ में, और वहीं बाहुबली बनी थी 180 करोड़ में। मतलब हम इनकी कलेक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि टाइगर जिंदा है में 210 करोड़ कहीं नहीं दिख रहे। मतलब 210 करोड़ लगाकर उन्होंने एक नॉर्मल मूवी बनाई और मूवी अच्छी भी थी। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि बॉलीवुड की कास्ट थोड़ी महंगी होती है, लेकिन वहीं 180 करोड़ लगाकर बाहुबली जैसी ग्रैंड मूवी बनी है जहां पर पूरी तरह से VFX का इस्तेमाल किया गया है। मतलब बाहुबली मूवी 180 करोड़ को अच्छे से जस्टिफाई कर रही है। और जस्टिफाई क्या, जब मैंने ये चीज पढ़ी कि बाहुबली 180 करोड़ में बनी है तो मुझे ये अमाउंट बहुत कम लगी। नंबर फोर, इफेक्ट्स। ये कैटेगरी भी बजट जैसी ही है, जहां साउथ इंडस्ट्री में ठीक पैसे लगाकर
एक अच्छे इफेक्ट वाली मूवी को बना दिया जाता है और वहीं बॉलीवुड में अगर इफेक्ट्स डाल दिए तो पता नहीं भाई उनका बजट कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि जितने में साउथ में एक अच्छे इफेक्ट वाली मूवी देखने को मिल जाती है उतने से ज्यादा में बॉलीवुड में एक नॉर्मल मूवी बनती है, मतलब कम इफेक्ट्स वाली। नंबर 5, राइटिंग। अगर मैं बात करूँ राइटिंग की तो ये डील फेयर नहीं होगी, क्योंकि मुझे टॉलीवुड लैंग्वेज नहीं आती, मैं साउथ की मूवीज को हिंदी में ही देखता हूँ और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डबिंग में बहुत से डायलॉग चेंज हो जाते हैं, तो राइटिंग में बॉलीवुड और टॉलीवुड का कंपैरिजन सिंपल है कि कभी बॉलीवुड आगे निकल जाता है तो कभी टॉलीवुड। तो गाइज ये है वो 5 पॉइंट जिससे हम किसी भी मूवी को डिफाइन कर सकते हैं और आज हमने इन्हीं की मदद से बॉलीवुड और टॉलीवुड में कंपैरिजन किया। तो एट दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि कहीं बॉलीवुड आगे है तो कहीं टॉलीवुड, लेकिन टॉलीवुड वाले टैलेंटेड है, वो ओरिजिनल चीजें बनाते हैं, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड वालों में टैलेंट की कमी है, बस बॉलीवुड वालों को अपने टैलेंट को सही से इस्तेमाल करना नहीं आता और इसमें एक्टर या एक्ट्रेस की गलती बिल्कुल नहीं है, इसमें मेकर्स की कमी है, क्योंकि वो नए लोगों को मौका नहीं देते और पुराने वाले बैठे हैं सिर्फ रीमेक के भरोसे। तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको टॉलीवुड पसंद है या बॉलीवुड। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।